जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान, श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। कल अपने भव्य जीव और अभव्य जीव की जो अंतरंग भावना होती है, उसके भव्यत्व कैसे प्रकट होता है और वो भव्य जीव कैसे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान के भक्ति को कैसा आधार बना लेता है, वही अभव्य जीव कैसे भगवान की भक्ति करता हुआ भी पंचेंद्रिय के विषयों में रत होता हुआ भक्ति करता हुआ भी पार नहीं उतर पाता, इस चीज को समझा। फिर एक और प्रश्न उठता है अंदर से कि आखिर वो कौन सी बात होती है कि भक्त को भगवान की आवश्यकता पड़ती है, आखिर भक्त की भगवान की आवश्यकता क्या है, मंदिर की आवश्यकता क्या है। बहुत बार ऐसे प्रश्न उठते हैं। हमारे अंदर जब स्वयं इतनी शक्ति मौजूद है, जब हमारे अंदर ही सब कुछ मौजूद है, तो हमें बाहरी आवश्यकता क्या पड़ गई। उद्घाटित करने के लिए ऐसी कौन सी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो बार बार एक बात चीज समझ में आती है कि भक्त को जब भगवान की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है, जैसे छात्र को एक टीचर की आवश्यकता पड़ जाती है, छात्र के अंदर कुछ डाला नहीं जाता, छात्र के अंदर स्वयं ज्ञान था, किसी ने डाला नहीं बाहर से लाके, क्योंकि पुस्तक मात्र तो एक संकेत है, लेकिन ज्ञान तो हर आत्मा का अपना विषय है। ज्ञान कोई बाहर से नहीं लाके डाला भी नहीं जा सकता, वरना तो वो ऐसा हो जाएगा जो अन्य चारवाक इत्यादि मत है, जिनमें समवाय संबंध करके ज्ञान और ज्ञानी का जो संबंध कराया जाता है, गुण और गुणी का जो संबंध करा के वो ज्ञान डालते हैं बाहर से लाके, उसका नाम वो। ऐसा अगर जैन दर्शन के अंदर हो जाए तो द्रव्य का अपना खुद का विनाश हो जाए, क्योंकि द्रव्य हमेशा अपने से अपने अंदर गुण रूपी उस को रखता है, द्रव्य के अंदर कहीं गुण अलग से डाले नहीं जाते, किंतु उनको उद्घाटित किया जाता है। ज्ञान जीव का स्वभाव है, चेतना जीव का अपना स्वभाव है, चेतना कहीं अलग से नहीं डाली जाती, उसे तो उद्घाटित किया जाता है। निमित्त के रूप में कोई भी हो सकता है, गुरु हो सकता है, शास्त्र हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी उसके लिए निमित्त बन सकता है। ऐसे भगवान कोई अलग से नहीं डालते, क्योंकि जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भक्त को भगवान बनाया जा सकता है, बन सकता है भक्त। अन्य दर्शनों में भक्त भक्त रहता है, भगवान भगवान रहता है। सब दर्शन उठा के देखो जिसमें भक्त कभी भगवान नहीं बनता, वो हमेशा भक्ति ही रहता है। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा है जिसमें भक्ति भी भगवान बनने की योग्यता रखता और बनता है। उस निमित्त को पाकर यह आत्मा जब अपने कल्याण के मार्ग को खोज लेती है, इसलिए भगवान की आवश्यकता पड़ती है, एक आइडल पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वो अपने सामने न हो, हमें समझ में नहीं आता
क्योंकि बार बार प्रश्न लोग पूछते हैं कि नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम पद पहले रखा, नमो सिद्धाणम पद बाद में रखा, जबकि आठ कर्मों का अनाश करके सिद्ध भगवान हुआ है तो वो अपने आप में बड़े हैं, और चार घातियां कर्म अनाश करके अरिहंत बने तो वो छोटे हैं। फिर कारण क्या है कि छोटे को उन्होंने प्रथम पद पे रखा और सिद्ध को दूसरे पद पे रखा? ये प्रश्न बार बार जब उठा, इसका उत्तर वीरसेन स्वामी जी ने अपने धवला ग्रंथ में दिया कि आखिर कारण क्या है, ऐसा कौन सा हेतु है कि जिस कारण से सिद्ध को दूसरे पद पे रखा, दूसरा पद छोटे में रखा। तब उसके उत्तर में वो कहते हैं, अरिहंत भगवान एक ऐसे भगवान है जो हमें सिद्ध का परिचय देते हैं। सिद्धों का परिचय दें, अगर अरिहंत भगवान न हो तो हमें सिद्धों का परिचय देने वाला कोई ना मिले, और यहाँ तक भी कहना कि हमें मार्ग दिखाने वाला भी कोई ना मिले। क्यों? क्योंकि अरिहंत ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो हमें मार्ग देते, चाहे वह तीर्थंकर अरिहंत ही हो। तीर्थंकर अरिहंत जो हमें धर्म चक्र की स्थापना करते, जो धर्म की स्थापना करके हम बहुत से भव्य जीवों को मार्ग देते, बाद में फिर आचार्य उपाध्याय और साधु का पद आता है। इसीलिए जो हमें मार्ग दे, जो हमें सिद्धों का परिचय दे, सिद्धों की जानकारी दे, वो इसलिए उपकारी हो जाता है, और जो उपकारी हो जाता है वो इसलिए अपने आप ही बड़ा हो जाता है। मतलब वीतरागता की अवस्था की अपेक्षा से कह रहा हूँ कि वीतराग दशा, ये पांचों ही पद वीतराग दशा के पद हैं, और वीतराग दशा के पद होने के कारण इनमें उपकार उपकारी का भाव अगर हम देखें तो अरिहंत भगवान ही ऐसे उपकारी हैं जिन्होंने हम पे उपकार करके आज हमें ये सारी सिद्धों की जानकारी दी और मार्ग की जानकारी दी। इसलिए वहाँ पे लिखना पड़ा कि वो उपकारी होने से उन्हें प्रथम पद पे स्थापित किया। इसीलिए हमें भगवान की जरूरत पड़ती है कि हम जो बनना चाहता है, जो जैसा बनाना चाहता है वो वैसा खोज लेता है। जैसे आप सीए बनना चाहते हैं तो सीए की कोचिंग खोज लेते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पीएमटी की कोचिंग कर लेते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आईआईटी की कोचिंग कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार से आप अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कोचिंगों में भाग लेके आप वैसा बनने के लिए खोज लेते। ऐसे ही जो भक्त भगवान बनना चाहता है वो भगवान को खोज लेता है, और जब उसकी खोज पूरी हो जाती है तब जाके उसके लिए भगवान बनने का मार्ग मिलता है। वो प्राप्त हुआ है उन परिवारों के नाम, श्रीमान राजकुमार, श्रीमती मधु, मनोज, अजय, रूबी, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, समस्त परिवार सभ्य हर दिल्ली ही, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर, गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशीष जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद जैन, खाद वाले परिवार, बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर, बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल प्रज्ञा जैन, सापरिवार सरदना, स्वजहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार, सुनील जैन, हन्नी जैन, श्रीमती रिशु जैन, बड़ागांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत, देवियास, पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री मोतीलाल, श्रीमती अनीता, नीरज, बबीता, दीपक, प्रीति, विपिन, शारिका, सात्विक, मुस्कान, मिली, हार्दिक, ऋषभ जैन, समस्त परिवार, करौल बाग दिल्ली, श्री योगेंद्र जैन, बेब टैक्स खेकड़ा, सा परिवार, श्री अभिषेक कुमार, पारस कुमार, विमल कुमार, पूजा कुमार, पूजा, अरुण, डीसी जैन, कांता, रिकुंज जैन, समस्त परिवार, आंवा टोंक, राजस्थान, श्रीमती पुष्पा मेनाडे जी, अपने पोता पोती के लिए सुख समृद्धि बुद्धिवर्धक के लिए, वर्णिका बेनाडा, काव्या बेनाडा, आर्यमन बेडाना, आर्यमन बेनाडा, आर्जो बेडाना, आकृति बेनाडा एवं समस्त बेनाडा एवं पाटनी परिवार, आगरा, श्री जगदीश प्रसाद जैन, दुलारी, शरद जैन, मेघा जैन, नितिका जैन, तिष्या, काव्या, नायसा, करोलबाग दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, पत्नी अमित जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान,
श्रीमती रितु, अशोक, वैंकमाले, प्रतीक, शिवानी, अक्षद्यन सा परिवार सुख शांति एवं समृद्धि हेतु, श्री सुमेल मल पहाड़िया, शांति देवी जैन मिजोरम आइजोल सूर्यनगर, श्री सुनील जैन, भारती जैन, श्रेया जैन, सात्विका जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमान सचिन जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पार्थ जैन, जय जैन, ऊषा जैन समस्त परिवार छिंदवाड़ा, श्री अतुल जैन, श्रीमती निशा जैन, मनन जैन, रोहिणी दिल्ली, श्री नवीन जैन, मीनू जैन, सौरभ जैन, सोनल जैन बलवी नगर सहादरा, श्री प्रदीप जैन, पुनीत जैन, राशि अक्षत जैन खेकड़ा वाले न्यू अशोक नगर दिल्ली, श्रीमान भागचंद जैन, अनीता जैन, अनुराग जैन, रिया जैन, सौरभ, श्रेया, ऋषभ, कुकी परिवार, कुकी सा परिवार सवाई माधोपुर राजस्थान, श्रीमान राजीव जैन, राजीव जैन सा परिवार चंद नगर सहारनपुर, श्रीमती नीरू जैन सा परिवार नारायण टावर संजय प्लेस सागर आगरा, गिरी श्रीमान गिरीश मित्तल सा परिवार दिल्ली, श्रीमती ऊषा जैन, संदीप जैन, सोनिका आकाश प्रथम आवास विकास सहारनपुर समस्त परिवार, श्रीमान हीरामणि, श्रीमती हीरामणि जैन, श्रीमान सत्येंद्र जैन, संजीव बब्बू राजीव जैन सहारनपुर विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त परिवार, श्री अतुल जैन, रचना जैन, क्षितिज जैन, नंदिनी जैन सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री मनोज मनीष जैन, सक्षम जैन, श्रीमती मीनू जैन सागर मध्य प्रदेश, श्री अमित जैन, सुनीता जैन, रोहिणी दिल्ली, श्रीमती पुष्पा देवी पाटनी स्वास्थ्य, पवन कुमार पाटनी बेंगलोर गुवाहाटी, एना विक्रांत जैन सा परिवार उज्जैन, कुमारी मिष्टी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमान जय कुमार जैन, शशि जैन सहारनपुर के द्वारा, श्रीमती सुशीला जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्रीमती अलका वाकलीवाल, श्रीमती सुनीता जैन जयपुर, श्री विकास जैन, विवाह जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन राम प्रत सूर्यनगर दिल्ली, श्रीमान राजू जैन, श्रेयान जैन शांति मोहल्ला दिल्ली, श्री पंकज जैन, सीमा जैन, स्वस्ति जैन, सक्षम जैन कालका परिवार सरदना, श्री मनोज जैन, नीलम जैन, मनीला जैन, डेजी जैन, तनुश्री जैन, ज्ञानम जैन कोयला वाला परिवार भोपाल, इन सभी परिवारों की सुख समृद्धि एवं निरोगी रहने की मंगल भावना के साथ हमने इन सभी परिवारों के नाम पूज्य प्रभु श्री के चरणों में इन्हें बोला है। हे प्रभु, इन सभी परिवारों को सुख शांति दें, निरोगी बनाएं एवं दिन दूना रात चौगनी इनकी तरक्की करें, ऐसी मंगल भावना के साथ चलते हैं। बोले कल्याण मंदिर विधान की, कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी वीता भय प्रद मनिंदित कृपा संसार सागर निम जग शेष जंतु पोताय मानम अभिनम्य जिनेश्वर। कल्याणों के मंदिर दाता अभय प्रदाता है निर्दो, श्री जिन भर के चरण कमल ही जगत पूज हर लेते दो। सागर में डूबे जन को ताप दई प्रभु एक जहान, भक्ति भाव से अभिवंदन है शुरू करो स्तुति को। ओम भीम भव समुद्र पतत जन जंतु ताणा क्लीमा बीजाक्त सहिता श्री पासना जिंदा नमार्गम प्रांते। कमट के मान कर्म की भस्म बनाने अनल सरो, तीर्थेश्वर सी पार्श प्रभु की घर मा समना दो जारो। ओम नीम अनंत गुणा क्लीमा बीजाक्त सहिता श्री पासना जिंदा नमार्गम प्रांते स्वाहा। सामान्य तो पितवे वर्णे युतम स्वरूप मस्मा दृशा कथम धीस भवंते धीसा। दृष्टो पिकोशि कशि सूर्य दिवान दिवांदो रूपं परूपयति किं किल गर्म रश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंत मंद बना पीर कैसे रवि का रूप बताए बहुमति प्रोदीठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम भीम चिद्रूपाय क्लीमा भी जाते संहिता श्री पासना जिंदा नमार्गम प्रांते स्वाहा। मोह स्मित विनाति जड़ा संयोपी कर तुम स्तवम लसिद संके गुणा करश। बालोपि के निज बाह्य युगा वितत्य विस्तीर्णता कथयति स्वधियाम्बुराशे। आपे असंख्य गुणों से सोमित में जड़ बुद्धि निरा अभिमान
फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादा। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम भीम परमानंद गुणा क्लीमा विजयक्त संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः पामते स्वाहा। नाम चिंते महिमा जिन संस्त वस्ते नामा पिपाति भवतो भवतो जगंती। तीव्रा तपोपहत पाथ जनानी दादे प्रीणाति पद्म सरसा सरसो निलोपे। जो अचिंत महिमा मंडते हैं दूर रहे वह तब गुणगान किंतु आपका नाम माति ही भवदति से दे देता त्रा। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ब्रीम स्तव नारायण के लिए माँ भी जगत सहित श्री पासना जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम प्राप्ते स्वाहा। रद्वर्तिनी त्वयि विभो विदेली भवन्ति जन्तो क्षणेन निविडापि कर्म वन्दा। सद् भुजङ्ग मम आइव मध्य भाग मभ्यागते वन शिखण्डिनि चन्द्रनश्य। कर्मी शत्रु की सघन बंद भी शिथिल हुए डर डर जाते जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्श प्रभु चरण भर आते। चंदन तरु का आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा वन मयूर के आने पर जा इधर उधर जाते हैं भाग। ओम ब्रीम कर्म बंद विनाश का क्लीमा भी जगत सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम प्राप्ते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप से धूप फलार्ग कई दवल मंगल गानर वाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ब्रीम क्लीम महाबीजा का संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पामते स्वाहा। मुच्यन्ते एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सते स्त्वयि वीक्षतोऽपि। गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरे रिवाश पशवा प्रपलाय माने। जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम ब्रीम श्री दुष्टा परगुनाश का क्लीम आमी जगत सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पामते स्वाहा। तम तारिको जिन कतम भविनाम तैव त्वामुद्दहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता। यद्वदतिष्ठरति ये जलमेश नून मन्तर्गत शमरता शकिलानुभावा। जिन्हें आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते आप ही रूप को मन में रख के तैरते। जल तल में जो मशक तैरती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम रीम सुधिया क्लीमा भी जागता सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पामते स्वाहा। मिन्न अल्पे गरिमाणे मापे प्रपन्ना स्वाम जन्तो वाकते महोर दिगे दधाना। जन्मो दधि लघु तरंत तिलाघ वीन चिंतो न हंत महता यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महा गौरव धारी फिर वीर दय विराजित इनका उनका मन लागवकारी। हल्का होकर भक्ति आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम
रीम अतिशय गुरु क्ली माँ भी जगत सहित श्री पार्थना जिंदय नमार गण पामते क्रोधस्तया यदि विभो प्रतिमम निरस्तो ध्वस्तावद कथम किल कर्म चौरा शतमोत्र यदि शिशिरा पिलोके नील द्रुमाणी विपिना निन किम हिमानी हे स्वामिनी यदि क्रोधे आपने पहले ही कर दिया बिना कर्म चोर पिन बिना क्रोध की कैसे पाए सत्याना शीतल शिशिर काल की पाला हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को ओम रीम जित क्रोधाय क्ली मा भी जाप्त संहिता श्री पासना चंद्रय नमार गण प्रांते स्वाहा ओम रीम वर्तमान सातरंग वर्तमान मा भी जिनेन्द्राय नक प्राप्तार गण प्रांते स्वाहा ओम रीम गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय नक प्राप्तार गण प्रांते स्वाहा ओम रीम जिनमुखोद भू सरस्वती देवे नक प्राप्तार गण प्रांते स्वाहा ओम रूम संत्रमणि अचक विद्या संबंधाय नक प्राप्तार गण प्रांते स्वाहा ओम परम पूज गुरु वीरता जी विशाल तथा 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 मुनंदन नक प्रतार कम पामते स्वाहा ओम रा तीन कम नो कड़ मा मुनराज के पावन चरण मार मन मत चल प्रणाम कम पामते स्वाहा ओम रीम सरपत पूजे पे नक प्रतार कम पामते स्वाहा शांति नाथ मुख सती गुण हारी शील गुणामृत संयम धार लखन एक सौ आठ विराज निरखत नयन कमल दल लाज अपनी कमजोरी को अपने साहस में कैसे बदले जाए। कमजोरी जो होती है भय के कारण होती है, डर के कारण होती है। साहस भय के अभाव में उत्पन्न होता है। साहस को बढ़ाने के लिए, साहस को जगाने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारे भीतर भय उत्पन्न होता क्यों है। भय किसे लगता है पहले यह ज्ञात करना होगा। बहुत सारे जीव संसार में हैं, कुछ लोग निडर रहते हैं, निर्भय होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। तो जो व्यक्ति भय को जीतने का उपाय जान लेगा उसके भीतर साहस अपने आप ही आ जाएगा। आगम ग्रंथों में आचार्य कुंद देव कहते हैं, समय सार ग्रंथ में, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह निशंकित होता है और निशंकित होने के कारण वह निर्भय होता है। जितते जितते उसके भीतर निर्भयपना बढ़ेगा उतने ही उसका निशंकित गुण भी पुष्ट होगा और निशंकित गुण पुष्ट होने से वो भय को भी जीतने वाला होगा। यानी निशंकित गुण निर्भयता को लाने में कारण है और निर्भयता साहस को लाने में कारण है। तो निशंकित गुण किसका जागृत होता है, तो सम्यक दृष्टि जीव होता है। सम्यक दृष्टि से अभिप्राय ऐसा जीव जिसकी श्रद्धा बहुत मजबूत होती है, कट्टर श्रद्धा वाला, विश्वास जिसका दृढ़ होता है। अब विश्वास से तो रहित कोई होता नहीं, लेकिन विश्वास किसके ऊपर करना ये भी समझ लो। दुनिया के ऊपर विश्वास बाद में करना, भगवान के ऊपर भी विश्वास बाद में। सबसे पहले किसके ऊपर विश्वास करना, स्वयं के ऊपर विश्वास करना सीखो, स्वयं की श्रद्धा करना सीखो। क्योंकि जो स्वयं की श्रद्धा कर सकता है, स्वयं के ऊपर विश्वास कर सकता है, स्वयं से प्रेम कर सकता है, वही व्यक्ति दूसरों के ऊपर विश्वास कर सकता है, वही व्यक्ति दूसरों को चाह सकता है, दूसरों से प्रेम कर सकता है, वही व्यक्ति अन्य जीवों के ऊपर श्रद्धा कर सकता है। ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः।
ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। शांति ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। दोनों हाथों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में ले, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के संप्रेषण करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।